हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी 50 मार्क के 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ जो दोस्तों आज का फर्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछ रही है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था। ये दोस्तों बिहार का ही एक जिला है और अगर गाँव पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है सिमरिया गाँव, याद रहेगा दोस्तों आपको, सिमरिया गाँव के जो है सिमरिया गांव में हुआ था। और सिमरिया गांव किस जिला में है? बेगूसराय। और बेगूसराय किस राज्य में है? तो बिहार में है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका दो नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछ रहे कि दोहावली किनकी रचना है। तो दोहावली दोस्तों रहीम की रचना है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से एक क्वेश्चन और जो है पूछा जाता है कि दोहावली में कुल कितने दोहे हैं। तो ये भी आपको दोस्तों याद होना चाहिए। आपको बता दें कि दोहावली में कुल 300 दोहे हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई दोहावली में कुल कितने दोहे हैं रहीम के लिखित दोहावली में, तो कुल 300 दोहे हैं और उसमें से आपके सिलेबस में आपके बुक में केवल 10 दोहे ही दिए गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका तीन नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि छायावाद के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं। आधार स्तंभ यानी कि बेसिक पिलर जो है कितने हैं छायावाद के, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों छायावाद के कुल कितने आधार स्तंभ हैं? तो 4। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका चार नंबर जो क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि युगांत के रचनाकार हैं, युगांत के रचनाकार कौन हैं, ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो 4 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि पंत जी। और अगर पंत जी का पूरा नाम देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका पाँच नंबर क्वेश्चन है, पाँच नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो 5 का दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि दरभंगा जिला में दोस्तों आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपका दरभंगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे हैं रही है गेहूँ और गुलाब के रचनाकार हैं, गेहूँ और गुलाब के रचनाकार कौन हैं, ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो 6 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि गौड़ा किस विधा की रचना है। तो 7 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों रेखा चित्र है। कौन सा जो आपका चैप्टर है दोस्तों? गौड़ा। और अगर ये पूछा जाए कि गौड़ा शीर्षक के कहानीकार कौन है, रेखाचित्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। गौड़ा के जो है वो महादेवी वर्मा हैं और गौड़ा एक जो है रेखाचित्र है जिसमें एक गाय के बारे में दोस्तों क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिस गाय का नाम क्या दोस्तों? गौड़ा है। तो हम ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना मेहनत हमें शायद वीडियो बनाने में लग रहा है शायद उतना मेहनत आपको लाइक करने में नहीं लगेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आपका एक अच्छा से अच्छा जो है यहाँ पर आपका रिवीजन हो सके। यहाँ पर आपका जो यहाँ जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि मंगर की अर्धांगिनी का क्या नाम था। मंगर जो था दोस्तों आपको बता दें मंगर रामवृक्ष बेनीपुरी के हलवा थे, तो उनके अर्धांगिनी का क्या नाम था, यानी कि सीधे समझिए आप उनके पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मंगर के अर्धांगिनी का नाम भकोलिया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। अशोक के फूल जो दोस्तों रचना है इसके रचनाकार कौन हैं, ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि दोस्तों
अशोक के फूल के रचनाकार है आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जो यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो 10 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर ये पूछ लिया जाए कि इन रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों आपको बताना है बंगाल, क्योंकि बंगाल राज्य में इनका जो है जन्म हुआ था। और रविंद्रनाथ ठाकुर को ही दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग जो है विश्व कवि, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, तो विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर उन्हीं का दूसरा नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर के भी नाम से उनको जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। विश्व कवि के नाम से जानते क्यों हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। तो क्योंकि दोस्तों उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ उनको क्यों मिला, तो उनका एक रचना था जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के कारण दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर को, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, और इन्हीं के कारण उसे विश्व कवि भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जल का लिंग निर्णय करें। जल जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर 11 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको रटना नहीं है, जब कभी भी किसी भी शब्द का अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाए तो उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। आप जनरली देखते हैं ठंडा पानी, ठंडी पानी नहीं होती है, ठंडा पानी, तो ठंडा ठंडा जो शब्द है वो पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग के लिए यूज होगा, तो ठंडा पानी होता है, ठंडी पानी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका परीक्षा है, परीक्षा जो शब्द है उसका लिंग निर्णय करना है, परीक्षा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका 12 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि स्त्रीलिंग है। परीक्षा कैसी है, स्त्रीलिंग है। और परीक्षा का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो परि प्लस इच्छा, आप बताएंगे परि प्लस इच्छा परीक्षा का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जी का लिंग निर्णय करें। जी जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है। तो 13 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि पुल्लिंग है। क्या दोस्तों, जी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है, ये आपको बताना है। तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि पुल्लिंग, छात्रावास पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो आत्मा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। तो 15 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि स्त्रीलिंग है। आप सुनते हो आत्मा काप उठी, उठी उठा नहीं, आत्मा काप उठी। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस का प्रयोग करके आप बता सकते हैं, लिंग निर्णय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि आस्तिक का विलोम लिखे। आस्तिक का विलोम आपको बताना है। तो जो 16 का जो आपका दोस्तों बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि नास्तिक। आस्तिक का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है, नास्तिक होता है। अगर अर्थ समझने की कोशिश करें तो आस्तिक का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, तो जैसे उल्टा हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जीवन शब्द का विलोम शब्द लिखें। जीवन शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो 17 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ही जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि मरण। जीवन का उल्टा क्या होगा, मरण होगा, आप सभी जानते हैं जीवन का उल्टा यानी कि विलोम मरण होगा। इसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ आपका, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि बाढ़ शब्द का विलोम शब्द लिखे। तो बाढ़ का क्या होगा, बाढ़ दोस्तों क्या है, बहुत अधिक पानी के स्थिति को बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ का जो जस्ट जस्ट उल्टा होगा, सूखा होगा, पानी के अधिकता को बाढ़ और पानी के कमी को सूखा, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, सूखा हो जाएगा।
नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे गणेश का पर्यायवाची क्या है। गणेश जो शब्द है उसका पर्यायवाची आपको क्या करना है बताना है। तो 19 का जो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, यानी कि गिरिजानंदन। गिरिजानंदन तो आपका एक होगा ही होगा, गणपति हम लोग बोलते हैं इन्हीं को, इसको ही जो है और भी एक दंत तो बोला जाता है, ये सभी नामों से गणेश जी को पुकारा जाता है। गजानन भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं गणेश जी को, मतलब गणेश जी का कितना भी पर्यायवाची हम लोग देख लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची लिखे। सूर्य जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। तो 20 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि दोस्तों दिनेश। अब सूर्य का पर्यायवाची दिनेश होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, रवि भी होता है, इतना सारा आप जो है सूर्य का पर्यायवाची याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है दिनेश ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। सभी लोग जानते होंगे विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्या प्लस आलय का मतलब है विद्या मिश्र होता है विद्या, सभी जानते हैं ज्ञान, और आलय मिश्र होता है घर, तो विद्या प्लस आलय का क्या अर्थ है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है गुरु उपदेश का संधि विच्छेद लिखे। गुरु उपदेश मतलब गुरु का उपदेश, किसका उपदेश दोस्तों, गुरु का उपदेश, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, गुरु का उपदेश, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना। हाथ मलने का क्या अर्थ होता है पछताना होता है। नेक्स्ट जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो कान देने का होगा दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना, कान देने का जो, कान देना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट आज का जो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। घी के दिए जलाने जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है आनंद मनाना, तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।